हेलो बच्चों, तो आज हम हमारा आधा चैप्टर रह गया था वो करेंगे। तो क्या बताया था लाला सदानंद ने कि जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं उनको अलग कर लो। फिर क्या कहते हैं पंडित जी, बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन क्या होता है बेटा? इश्तिहार, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए, अर्थात जिसको किसका शौक हो बेटा, चित्र का, और आप दो चार पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को यह आशा नहीं थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? कोयले की खान में हीरा, क्या अर्थ होगा बेटा इसका? तुच्छ स्थान पर मूल्यवान वस्तु मिल जाना। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। कितने चित्र जमा हो गए? 200। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते वे सफलता के विचार से झूमने लगे थे, अर्थात उन्हें आशा होने लगी थी कि अब तो मुझे कुछ रुपए मिलेंगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया। क्या किया बेटा? उन जो चित्र इकट्ठे किए थे उनसे क्या, उनको कहाँ लगाया? एल्बम में। और समाचार पत्रों में क्या दे दिया? विज्ञापन। जब पंडित शादीराम हर समय डाकिए की प्रतीक्षा करने लगे, वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी, अर्थात उन्हें फिर से लगने लगता था कि आज तो कोई चिट्ठी जरूर आएगी। दिन बीतते गए, आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा, और मूल्य लिख दो 1000 रुपये से कम सौदा नहीं होगा। कितना मूल्य लिखवाया बेटा? 1000 रुपये से कम नहीं लिखने हैं। फिर है, कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। बीमा क्या होता है बेटा? रजिस्टर्ड डाक को ही क्या कहा जाता है? बीमा। पंडित शादीराम के हाथ पैरों से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था। दिल कांप रहा था, ये क्या, एक मुहावरा यानी घबराहट हो रही थी। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 200 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदल ली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। किरकिरी कर दी यानी खुशी को बाधा में डाल दिया। आगे बेटा, सांझ के समय बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। क्योंकि उन्होंने कितने रुपए लिए थे लाला सदानंद से? 500। और फिर उनको देके क्या बोले, मुझे इस मार से यानी जो कर्ज था आज मुझे उससे छुटकारा मिल गया। अपने रुपए संभाल लीजिए, आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ खरीद लिया। और रुपये भी आ गए? जी हाँ 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली है। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखिए, मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। कौन बोले? लाला सदानंद, कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं, परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे अर्थात लंबी उम्र करे आपकी, मगर अब तो मैं ये रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। कौन बोल रहा है ये? पंडित जी। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। अनुभव यानी बेटा महसूस हुआ कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है, उसे अनुभव हो रहा। आगे बेटा, 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए यानी बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए।
स्त्री गरम दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाजें देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिराने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीद लिया था। अर्थात जो एल्बम बनवाई थी ना लाला सदानंद ने, वो उन्होंने खुद ही खरीद ली थी और उनको क्या कह दिया था पंडित जी को कि किसी ने उनसे मंगवाई है। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है। मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस यानी बेटा यहाँ क्या है, दुख से सांस भरना। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। पहले क्या हो गए थे, वो बेसुध हो गए थे, बेहोश हो गए, फिर उन्हें होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। और उन्होंने उसे क्या कह दिया कि पहले तो ये किसी सेठ ने ली थी लेकिन अब मैंने उनसे मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। थैंक यू बेटा।